नागपुर में इंडियन मुस्लिम लीग नागपुर यूनिट द्वारा 30 जनवरी 2022 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर उनकी शिक्षाओं, उद्देश्य और विचारधाराओं को इंडियन मुस्लिम लीग द्वारा याद किया गया। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र इंडियन मुस्लिम लीग के पार्लियामेंट बोर्ड चेयरमैन श्री शमीम सादिक साहब, मुस्लिम लीगी वाइस प्रेसिडेंट श्री गुलाम नबी साहब, श्री इकबाल अहमद साहब और नागपुर शहर में इंडियन मुस्लिम लीग की बुनियाद डालने वाले श्री बद्रुद्दीन काजी साहब के पुत्र श्री काजी रियाजुद्दीन साहब मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के विचारों और भारत की अखंडता को श्री नसीर फराज साहब, जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम इंडियन लीग द्वारा बयान किया गया। आज इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग महाराष्ट्र के तमाम पदाधिकारियों की तरफ से मैं सबसे पहले हमारे प्रेस डीएनए के नुमाइंदे जो है, जो प्रेस रिपोर्टर है, इनका खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की तरफ से आप तमाम लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग आज इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के पदाधिकारियों से मिलने के लिए यहाँ पर तशरीफ लाए। आज हमने प्रेस मीट मुनक्किद किया है आईओएम महाराष्ट्र की तरफ से, क्योंकि आज की भारत की तारीख का एक ऐसा दिन है जो दुखों से लबरेज है, जो जिसको हम भारत के इतिहास का काला दिन भी कह सकते हैं। आजादी के कुछ अरसे के बाद ही 30 जनवरी को हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का कत्ल कर दिया गया, जिसे हिंदुस्तान के अवाम यौमे शहादत के नाम से जानते और मानते हैं। हिंदुस्तान की आजादी में तमाम कौमों ने अपनी कुर्बानियां पेश की है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तमाम लोगों ने अपनी जानों माल की कुर्बानियां देकर देश को अंग्रेजों से आजाद कराया है। ये देश एक खूबसूरत गुलशन के मानिंद है जिसमें सब कौमें रहती और बसती है, और ये देश जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश है, और इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती सब कौमों का यहाँ पर मिलजुल कर एक साथ रहना है, यहाँ की गंगा जमुनी तहजीब है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि देश की आज़ादी के अंदर सब कौमों ने मिलकर अपना योगदान दिया, देश को आज़ाद कराया, उसके बाद भी कुछ फिरका परस्त ताकतों ने, कुछ देशद्रोही ताकतों ने अपने एजेंडे को पर काम करते हुए देशवासियों के अंदर नफरत फैलाने का काम किया, जातिवाद फैलाने का काम किया, धार्मिक उन्माद फैलाने का काम किया, मजहबी दीवारें खड़ी करने का काम किया, फिरका परस्ती को आम किया। उन्होंने अपने एजेंडे का इस्तेमाल करते हुए लगातार आज़ादी के बाद से देशवासियों को आपस में बांटने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए, और मैं बात कर रहा हूँ महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी ने पूरे देश के अंदर कौमी एकता की मिसाल कायम की थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पीछे पूरा हिंदुस्तान बिला जात पात के, बिला मजहब मसलक के महात्मा गांधी की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए उनके पीछे चल पड़ा था। लेकिन फिरका परस्त ताकतों को ये बात ना गवार गुजर रही थी कि पूरे हिंदुस्तान को एक डोर में महात्मा गांधी बांध रहे हैं। उन्होंने अपने एजेंडे को पूरा करने के लिए ठीक आज ही के दिन, आज़ादी के कुछ साल बाद ही, कमोबेश सन 1948 के अंदर 30 जनवरी को महात्मा गांधी पर कातिलाना हमला किया। कातिलाना हमला करने वाला नाथूराम गोडसे था, जिसको भारत का इतिहास बखूबी जानता है। नाथूराम गोडसे और नाथूराम गोडसे के विचारों पर भारत सरकार ने काफ़ी अरसे तक बैन लगा रखा था, लेकिन जब से फिरका परस्त ताकतें सत्ता में आई है, केंद्र के अंदर, राज्य के अंदर, इन जातिवादी शक्तियों को, इन फिरका परस्त ताकतों को थोड़ा सी छूट मिल गई है, और ये देश के अंदर देशवासियों को आपस में बांटने का काम कर रहे हैं, और अपनी जो नफरत भरा माहौल
माहौल है, जो जहरीला माहौल है, उसको भारतवासियों तक पहुंचा रहे हैं और देश की एकता, अखंडता, भाईचारे को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हम सब भारतवासियों की आज बहुत बड़ी ड्यूटी बनती है, बहुत बड़ा फर्ज बनता है, हमारा कर्तव्य है कि हम पूरे भारतवासी एकजुट होकर देश के अंदर जो ये नफरत फैलाने वाली ताकतें हैं, ये जो जहरीली शक्तियां हैं, ये जो धार्मिक उन्माद को फैलाने वाली शक्तियां हैं, जो हिंदू मुस्लिम जात पात के नाम पर हमारे भारतवासियों को, भारत के नागरिकों को एक दूसरे से लड़ाने का षड्यंत्र कर रही हैं, ऐसी शक्तियों के साथ हम सब ने मिलकर इनके खिलाफ देश के अंदर कौमी एकता, भाईचारे, प्रेम, मोहब्बत, अखंडता, ये चीज़ों को, इस पैगाम को आम करने के लिए पूरी ताकत से, पूरी कुव्वत से, पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से काम करना ज़रूरी है। मैं BNA के माध्यम से एक बार फिर अपने तमाम भारतीय भाई बहनों और सबको आह्वान करता हूँ कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हमारे देश की ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी हस्ती है, पूरी दुनिया उनका आदर करती है, सम्मान करती है, राष्ट्रपिता के नाम से उन्हें याद करती है। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि राष्ट्रपिता का आदर करें, राष्ट्रपिता का सम्मान करें और उनके पैगामात को, उनके विचारों को हम सब भारतीयों तक पहुँचाने में हम